हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अंदर गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3। तो गाइस आप लोग देख लो, इस बार मैंने अपने ट्रक पूरा मॉडिफाई करा है। इसमें मैंने नई लाइट एलईडी लाइट भी लगाई है और सैरन भी लगाया हुआ है। वैसे अभी सुबह का टाइम है तो लाइट की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो गाइस हम अपने ट्रक को स्टार्ट कर लेते हैं और अपने ट्रेलर से इसको जोड़ते हैं। तो आज का हमारा मिशन रहेगा इस रोड बनाने वाले मशीन को इसके वर्क प्लेस पर ले जाने का। इस मशीन का नाम वैसे तो एसफाल्ट पावर है। जिन दोनों को इनके वर्क प्लेस पे ले जाने हैं वहाँ पर शायद किसी रोड कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो मैं सबसे पहले अपने ट्रक को इस ट्रेलर से जोड़ता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। मुझे अपने ट्रक को ट्रेलर से एकदम परफेक्टली कनेक्ट करना होगा। असली लाइफ में तो ये और ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन गेम में ये बहुत आसान है। तो मैंने अपने ट्रेलर को ट्रक से कनेक्ट कर लिया है। तो मैं आपको एक बार ट्रेलर दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाइस, हमें ये दो रोड बनाने वाले मशीन को यहाँ से ले जाना है। देख सकते हैं आप, ऐसा ही कुछ है। मशीन का नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इन दोनों को रोड बनाने वाले मशीन ही बोलूँगा। तो आप इसको दूसरी तरफ से भी देख लो। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो हम अब चलते हैं अपने ट्रक में और यहाँ से निकलते हैं। और देख लो गाइस, हमारे ट्रक कुछ ऐसा है। मैंने सब जगह लाइट ही लाइट लगा रखी है, रंग बिरंगी। रात में तो ये अलग ही दिखते हैं। तो गाइस अब यहाँ से हम चलते हैं। और गाइस हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होगा रास्ते में। हम इस लोड को 150 किलोमीटर ही ले जाने हैं, तो ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, 5-6 मिनट ही लगेगा। तो चलते हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं। और गाइस आपको सुनाई दे रहा होगा, तो अभी यहाँ सुबह सुबह कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है गेम के अंदर ही, अगर आप ध्यान से सुनो तो। इतना रियलिस्टिक बना कर रखा है कि गेम के अंदर भी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो देखो गाइस अभी यहाँ रेड लाइट है, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं अभी। तो मैं यहाँ लुकेट में दिखाता हूँ आपको ट्रक दूर से चलते हुए कैसा दिखता है। ऊपर से ट्रक की लंबाई भी इतनी ज़्यादा है, ये ट्रक मोड़ में मुड़ती भी नहीं है। मुझे पूरा बाहर से इसको ट्रक को ले जाना पड़ता है, तभी ये मुड़ती है। भाई मैं इतनी दूर से भी अपने ट्रक को चला रहा हूँ, ये अपने आप चले जा रही है। वो तो मैं स्लो में चला रहा हूँ, वरना ठुक जाती है अभी ये। तो चलते हैं वो यहाँ से। तो गाइस मैंने अपने कैमरे को लोकेट में लगा रखा था, तो साइड से ट्रक ठुक गई। अब मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ मोड़ से तो निकलता हूँ। मोड़ में एकदम स्लो चलानी पड़ती है, लेकिन मैं भी फिर भी स्पीड में चला रहा हूँ। भाई पूरा गोल घूम के आना पड़ा है। तो निकलते हैं हम जल्दी से इस मोड़ से।
तितको अरवा छैन तिमी छो साथ त आउने दिन को डर छैन आशा छ माया हाम्रो फुटेर जाने छैन ममा भरी कति भाई यार मैं यहाँ गलती से आगे चले गया था, मुझे यहाँ से राइट जाना था लेकिन मैं यहाँ आगे ही आ गया, मैंने देखा ही नहीं, तो अभी मुझे यहाँ रिवर्स लेना पड़ेगा। तो गाइस हमारे यहाँ पर आधा से ज़्यादा रास्ता तो कवर हो चुका है, अब कुछ 50-60 किलोमीटर ही बचे होंगे। तितको अरवा छैन तिमी छो साथ त आउने दिनको डर
तो गाइस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो हमें इन दोनों एसॉल्ट मशीन को जहां पर लाना था तो हम वहां पर पहुंच गए हैं। तो मैं जल्दी से इसको यहां पर पार्क करता हूं, मुझे इसको ऑपोजिट साइड पार्क करना पड़ेगा आगे से पीछे की ओर। तो गाइस आज का हमारा मिशन पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और वो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना ताकि आपका हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय।